स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज हम आए हैं नेपानगर में और आज हम आपको लेकर चलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन हिस्टोरिकल प्लेस पर। तो आइए चलो चलते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा हम जहाँ पर आने वाले थे वहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये देखिए आपको पीछे इधर दिख रहा होगा। चलिए, हाँ तो दोस्तों फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये देखिए, ये इधर आपको दिख रहा होगा। अभी ये देखकर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कौन सी जगह पर आए हैं, बट मैं आपको इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में विस्तार से बताता हूँ। इसका नाम सीता नहानी है और ये सीता नहानी जो है, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है सीता नहानी, तो इससे आपको मालूम पड़ रहा होगा कि सीता मैया ने यहाँ पर स्नान किया था। तो उसकी जो, उसके पीछे की जो कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलो आपको ले चलता हूँ उधर में। हाँ तो गाइस आइए, मैं अभी आपको बताता हूँ कि जहाँ पर राम भगवान ने सीता मैया को स्नान करने के लिए जिस जगह पर तीर मारा था वो जगह आपको दिखाता हूँ। तो आइए चलते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये मंदिर वगैरह बनाया गया है बाद में। चलिए आइए बताते हैं हम आपको। ये देखिए, यहाँ से अभी हम नीचे उतर रहे हैं। ये देखिए गाइस, ये अभी हम मेन जो सीता नहानी का जो प्लेस है वहाँ पर आ चुके हैं, जहाँ से आज भी कंटिन्यू पानी गिरता रहता है, पानी बहता रहता है। ये देखिए, यहाँ पर पहले बहुत नीट एंड क्लीन हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर बहुत प्रकार की ऐसी गंदगी फैल चुकी है। लोग यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, कोई साफ सफाई यहाँ पर करवाता नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि इस कुंड में कितना अंतर है। ये देखिए, ये आपको मेन जगह जहाँ पर राम भगवान ने तीर मारा था सीता मैया के स्नान करने के लिए। इसके पीछे की कहानी ऐसी है दोस्तों, जब सीता मैया और राम भगवान को जब 14 साल का वनवास हुआ था, तो उस समय ये जंगल में घूमते घूमते इस जगह से जब गुजर रहे थे, उस समय सीता मैया को शिव भगवान की पूजा करनी थी और उनको यहाँ पर स्नान करना था। तो स्नान करने के लिए
उन्होंने राम भगवान से कहा कि यहाँ दूर दूर तक कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए अभी मुझे स्नान करना है। तो राम भगवान ने तुरंत उनकी इच्छा को पूर्ति करते हुए उन्होंने यहाँ पर इस जगह पर राम भगवान ने तीर मारा था। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ से अभी भी पानी कंटिन्यूस चल रहा है। देखिए यहाँ से कंटिन्यूस अभी भी पानी कंटिन्यू आते रहता। तो ये उन दिनों से जब से ये तीर मारा था, तो सीता मैया ने इस पानी में स्नान किया, उसके बाद में फिर यहाँ पर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और उसके बाद में यहाँ पर शिवलिंग का पूजा किया। तो अभी जिस जगह पर शिवलिंग की स्थापना की थी वो मंदिर भी हम आपको दिखाएंगे। चलिए चलते हैं उस मंदिर में। मंदिर के ऊपर जहाँ पर सीता मैया ने शिवलिंग की स्थापना करने के बाद वहाँ पर पूजा की थी। चलिए चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हम उस मंदिर पर आ चुके हैं। अभी हम अंदर जाकर शिवलिंग के दर्शन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर सीता मैया ने शिवलिंग की स्थापना की थी। अभी हम उस मंदिर में जाके दर्शन करेंगे। यहाँ पर सीता मैया ने स्नान करने के बाद में यहाँ पर आने के बाद यहाँ शिवलिंग की स्थापना की और उसके बाद यहाँ उन्होंने उनकी पूजा प्रारंभ की। हम जितना जानते थे उतना आपको बता चुके। अभी आगे हम यहाँ के जो हमारे मंदिर में जो रहते हैं पुजारी जी, उनसे हम बात करेंगे, आगे की डिटेल्स वो आपको बताएंगे। अभी हम इस मंदिर में आ चुके हैं। अभी आगे की बात यहाँ के जो पुजारी जी है वो बताएंगे आपको। लीजिए उनके सामने अभी बताते हैं, वो बताएंगे आपको। आपका नाम क्या दादाजी? मेरा नाम सुरेश पटेल यादव है। आप यहाँ पर कितने साल से हो जी? आप यहाँ पर कितने साल से हो? मेरे पूर्वजों ने, ये हमारे दादा ने हीरा राम पटेल मालगुजार से यहाँ के, उन्होंने ये मंदिर बनवाया। वो 1909 में यहाँ आए थे, तब यहाँ पानी नहीं था पीने के लिए कहीं भी, और लोगों को जेंट्स को अत्यधिक बीमारी होती थी, पेट बड़े बड़े होते थे, पर भगवान अगर कहीं पानी मिल जाएगा मेरे को तो मैं मुझे यहाँ भोले नाथ का मंदिर बनवा दूंगा। तो यह सपने में आया दादा को, यहाँ दो दो तो तीन कुंड निकले, सात कुंड निकलेंगे, तो सात तो नहीं निकाल पाए दादा, तीन ही कुंड निकले हैं। तीन कुंडों के नाम है सीता कुंड ऊपर वाला, दूसरा राम कुंड और तीसरा लक्ष्मण कुंड। पुराने जमाने में लक्ष्मण कुंड के बाजू से एक झरना बहता था, उसमें नहाना धोना सब यहाँ होता था। तीसरे कुंड में दूसरे कुंड का पानी भर के पीने के लिए गांव वाले ले जाते थे, और ऊपर वाला कुंड जो है, ऊपर वाला जो कुंड है उसका सीता माता कुंड का पानी जल ये भगवान को नहाने धोने के लिए पूजन के लिए काम में लिया जाता था। हमारे यहाँ पुजारी थे, पुजारी नहीं है, अब मैं ही देखभाल करता हूँ, मैं ही सेवा संभाल करता हूँ यहाँ की। अच्छा, तो ये जो पहला कुंड के बारे में आपने बताया सीता कुंड, तो ये किस तरीके से बना था है? पहला जो कुंड है यहाँ पर, हाँ? जो पहला कुंड है, ये पानी जो आता है ये कहाँ से आता है? ये अंदर से आता है पानी, तो ये धारा है अंदर से। हाँ हाँ, एक संतोषी माता के मंदिर तरफ से है, एक इधर से है भोलेनाथ के मंदिर तरफ से, और एक ऊपर पीर बाबा की दरगाह की तरफ से पानी आता है। हाँ, तीन तरफ से पानी आता है, वो तीनों का संगम कर दिया है अंदर, और वो तीनों का त्रिवेणी का पानी आखिर ये पूरा पश्चिम और उत्तर से पानी आता है, और दक्षिण में पानी बहता है इसका। नहीं, जैसे दादा हमने सुना था कि यहाँ पर राम भगवान ने तीर मारा था सीता माता के स्नान के लिए, वो जगह वो बनाई गई थी? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमारे जो यहाँ जो मंदिर बना है और इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है, पर कुंड जो है ये कुदरती निकले थे। कुदरती निकले? हाँ, इनकी सेवा सामान मतलब करी है। हाँ, क्या ये सब मट्टी की दीवारें थी, मट्टी का बना हुआ था पहले। हाँ हाँ, देख रही थी ये क्या, इसके बाद में ये जो निकला है ये सीता कुंड, ये कुंड निकले हैं,
ये गांव वालों ने इसका नाम सीता नहानी रख लिया है। अच्छा, पुराने जमाने का इसमें कोई ग्रंथ नहीं है राम के, उसका कि ये राम के टाइम का बना हुआ है। अच्छा, ये सब मंदिर जितना भी मंदिर बना है, राम मंदिर, भोलेनाथ का मंदिर ये, और उसके बाद हनुमान मंदिर, संतोषी माता का मंदिर हमारी बुआ ने बनाई शक्कर भाई ने। हाँ हाँ। क्या ये शिव मंदिर हमारे दादा हीरालाल पटेल माल गुजार थे वहां पे उन्होंने बनाया, और हनुमान मंदिर, राज आंगन और पुरानी धर्मशाला, ये सब जो है ये हमारे पिताजी के हाथ का बना हुआ, गुरदयाल पटेल के हाथ। मतलब इसके बारे में जो हमने सुना था कि ये मंदिर राम भगवान ने सीता माता के लिए जब पानी निकाला था स्नान के लिए, ये सब बातें झूठी हैं। ये कोई ग्रंथ में नहीं है और यहाँ के उसमें नहीं है। हमारे यहाँ जितना भी इस मंदिर में खर्च लगा है वो भी सब 1925 से बनना शुरू हुआ था, जब ये नेपानगर नहीं था यहाँ। अच्छा, जंगल ही जंगल था पूरा, तभी से ये कुंड बने हुए हैं। तभी से ये कुंड बने हुए हैं, तभी के कुंड बनाए हुए 1909 के बाद ये कुंड निकाल लिए थे। कुंड निकालने के बाद 1925 से इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। 3 साल में ये मंदिर बनके 1928 में ये मंदिर बनके खत्म हो गया था। इसका उद्यापन जो है ये प्राण प्रतिष्ठा अम्बाड़ा वाले रेवानंद स्वामी थे, उनके हाथ से हुई। क्या बाकी ऐसा कोई ग्रंथ में नहीं है यहाँ की यहाँ सीता माता आई थी। ओके ओके, क्या ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हर समय भी जब मार्च करते होते हैं बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। मार्च मार्च 26 कुंटल का भंडारा होता है यहाँ पर, शिवरात्रि का भंडारा होता है यहाँ। क्या और यहाँ सभी कार्यक्रम होते हैं, यहाँ की देखभाल संचालक मैं हूँ, देख रेख करता हूँ। पुजारी को देने के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि जो मैं दे सकूँ, देखभाल मैं ही करता हूँ, मेरे बच्चे पूजा करते हैं यहाँ की। क्या यहाँ पर जब वो भंडारा वगैरह होता है तो उसके लिए खर्चा कौन करता है? ये सब गांव वाले मिलकर करते हैं, नेपाल भीड़ लतागढ़ चाहे सब कलेक्शन, सब गांव के लोग करते हैं मिलकर, सब कलेक्शन कर लेते हैं। हाँ, कलेक्शन कर लेते हैं गांव वाले लोग, बड़ा बच्चे लोग मेरे जो गांव के लड़के हैं वो कलेक्शन कर लेते हैं, और कलेक्शन करके ये इसका वो कर लेते हैं। और यहाँ पर दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर। ऐसा भी बोला जाता है कि महाशिवरात्रि में ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ स्नान करने को आते हैं। हाँ, स्नान करने भी आते हैं, महाशिवरात्रि में भी आते हैं, और मकर संक्रांति में आते हैं। भगवान का मुकुट है चांदी का हमारे घर, हमारे पूर्वजों का बना हुआ है, वो मुकुट चढ़ता है यहाँ, बाकी दिन खड़ा रहता है। शिवरात्रि और मकर संक्रांति दो त्योहारों पे मुकुट चढ़ाया जाता है। मतलब एक एक प्रकार से नेपाल गंगा एक हिस्टोरिकल प्लेस है जिसके बारे में बहुत से लोगों को दूर दूर तक कोई जानकारी नहीं है। हाँ। तो हम अभी हम इसी आए हैं कि हम ये ब्लॉग बना के यूट्यूब पर डालेंगे और सबको इस बारे में मालूम पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा का दर्शन करने आ सके। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए, थैंक यू। हाँ, तो गाइस यहाँ पर अगर आप आना चाहते हैं तो ये जगह है बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट के नेपानगर क्षेत्र में। नेपानगर में आने के बाद आप किसी से भी पूछ लोगे कि सीता नहानी का स्थान कहाँ पर है तो आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिलेगी और आपको प्रॉपर यहाँ तक छोड़ दिया जाएगा।